कंगना माइंड योर वर्ड्स, शेम ऑन यू। नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। जहां देश एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कुछ ऐसा कह डाला जिससे कि विवाद खड़ा हो चुका है। वैसे देखो, कंगना के लिए कोई नई बात नहीं है, वो आए दिन ऐसा कोई बयान दे देती है जिससे कि वो चर्चाओं में बन जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कह डाला जिससे कि राजनीति भी गरमाई हुई है और लोगों को उनकी ये बात रास नहीं आ रही है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1947 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी। 2014 में असली आज़ादी 2014 में हुई है। तो साफ साफ उनका यही है कि केंद्र में मोदी सरकार है तो उनके आने से देश को आज़ादी मिली है। इसको लेकर जो राजनीति है बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है और जो आम लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा इस बात की निंदा कर रहे हैं। इसी बात पर हमारे साथ जुड़े हैं सुमित गौड़ जी, उनसे जानेंगे कि इस पर उनकी क्या राय है, आखिर जो कंगना रनौत ने कहा है वो किस पर्पज़ से ठीक है, क्या उनका विचार था ऐसा उन्होंने कहा है। सर, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि उन्होंने ऐसा कहा है, तो आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, ये जो कंगना ने कहा है वाकई में बहुत बड़ी बात है, लेकिन साथ ही इस देश का एक एक नागरिक जानता है कि कंगना रनौत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। आज तक भी जो भी उसने प्रसिद्धि ली है केवल इस ये फोर तरह की बातें करके, झूठी पब्लिसिटी, वाहवाही बटोरना। आज तक उनकी कोई भी एक फिल्म की कामयाबी से उन्हें पब्लिसिटी मिली हो तो मुझे आप बता दीजिए। कंगना जी, आप मुझे सुन रहे होंगे चैनल के माध्यम से, आज देश और प्रदेश की सभी जनता जानती है, और आज आपने अपमान में, जिसे मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा, जो आपने 1947 की आज़ादी को भीख बताया है, ये आपने कई लोगों की शहादत का अपमान किया है। कांग्रेस के जो नेता हैं जिन्होंने उस समय बलिदान दिया, जिनकी त्याग तपस्या का आपने अपमान किया है, इस देश के बुजुर्ग महिलाओं बच्चों की भावनाओं का अपमान किया है। कंगना जी, माफ़ करना, मुझे कहने में गुरेज नहीं, कभी वन टू वन मेरे साथ बैठ के बात करनी हो तो आप आना, मैं आपको बताऊंगा फैक्ट्स क्या होते हैं और कैसे बताया जाता है, कैसे बोला जाता है, क्योंकि आपके अंदर भगवान ने सभ्यता, या मैं तो आपके परिवार को भी कहूँगा, मैं तो इसके माध्यम से आपके माता पिता से भी मैं शिकायत रखूँगा कि उन्होंने कंगना जी को क्यों नहीं पर्याप्त शिक्षा दी, क्यों नहीं उन्हें बोलने का तरीका सिखाया, क्यों नहीं उन्हें बोलने का लहजा सिखाया, और ऐसा क्या कारण है कि कंगना रनौत हमेशा ये इस तरह के बयान देके, नौटंकीबाजी करके ये झूठी वाहवाही क्यों बटोरना चाहती हैं। कंगना जी, 1947 की जो आज़ादी है वो केवल और केवल बहुत से नेताओं की शहादत, कांग्रेस के नेताओं का प्यार, त्याग, तपस्या, बलिदान का परिणाम है। आज जो हम लोग खुले में सांस ले रहे हैं, आज जो देश ने इतनी तरक्की करी है, वो सब कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का, स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दुर्गामी नीतियों का परिणाम है, जिसका आपने मजाक उड़ा के रख दिया। 1947 की आज़ादी, आप उस समय के समीकरण, ना आपका उस समय जन्म हुआ होगा और ना आपके पिताजी या माता जी का उस समय जन्म हुआ होगा और ना ही मेरे फादर मदर का जन्म हुआ होगा। कंगना, एक बात सुनो मेरी आप ध्यान से, कि साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि बिना समीकरण देखे, उस समय के समीकरण क्या थे, उस समय हमारे देश में हमारे पास क्या क्या एसेट्स थे, उस समय हमारे पास क्या क्या, हमारे पास पीछे फोर्सेस थी, तो ये सब चीज़ें देख के फैसले लिए जाते हैं। ये फैसले जल्दबाजी का फैसला नहीं होता, बड़ा सोच समझ के फैसला, ये नहीं होता कि एक प्रोड्यूसर से चेक ले लिया और फिल्म साइन कर दी और फिल्म बना दी और फिल्म में दो चार डायलॉग मार दी और बस वाहवाही लूट ली। ये बड़ा ही सोच समझ के लिया हुआ आज है, जिसके मारे आज हम प्रत्येक नागरिक और खुद तुम भी जो खुले में सांस ले रहे हो, जो बेबाक बोल रही हो, बिना सोचे समझे बोल रही हो, ये सब कांग्रेस पार्टी के ही नेताओं की शहादत का, उनकी दुर्गामी सोच का परिणाम है। सर, अभी हाल ही में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया, और कुछ जो लोग हैं जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं शायद ये अवार्ड्स के लिए, या फिर हम के चमचागिरी वो लोग उस नाम दे रहे हैं, तो ये चीज़ कहाँ तक ठीक है और इसके बारे में? 2014 के चुनाव से ही कंगना जी ने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया था, जैसे कि आप सबको मालूम है, और अभी तो हाल में तो बड़ा ओपन तरीके से खुल के सामने आई है। तो ये जो पद्मश्री है, ये केवल सरकार की बटरी नहीं इसीलिए करती हैं कि ताकि इन्हें पद्मश्री मिले और इनको फ्री फंड का प्रचार मिले, क्योंकि देखा जाए कंगना जी, आप भी जानते हैं, मात्र अब आपको पिछले काफ़ी समय से फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपको मतलब प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने मिलने तक के लिए मना कर दिया था, लेकिन
आप जैसे आइए, आपकी भी गलती नहीं है, और भी कई सारे एक्ट्रेस हैं, कुछ एक्ट्रेस ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत अपनी कला से आगे आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे झूठे पब्लिसिटी स्टंट से आगे आना चाहते हैं, उनमें से आप भी एक हो। ये पद्मश्री आपने लिया है भीख में, ये पद्मश्री आपने लिया है समझौते करके, ये पद्मश्री आपने इस देश की और प्रदेश की जनता की भावना को खिलवाड़ करके, आपने कभी बोला, आपने कभी महंगाई का मुद्दा उठाया कंगना, आपने कभी कंगना ये मुद्दा उठाया कि बेरोजगारी का, आपने कंगना कभी ये उठाया कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम रेट बढ़ा है पिछले 7 सालों में, आपने कभी GDP पे सवाल उठाया कंगना, आपने कंगना कभी ये कहा कि दलितों के खिलाफ कितने अत्याचार हो रहे हैं, आप देखिए पूरा यूपी बेहाल है। कंगना माइंड योर वर्ड्स, शेम ऑन यू। थैंक यू सर। थैंक यू।